दोस्तों क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में नकली दूध कैसे बनता है? और क्या आपको पता है नकली दूध को गाढ़ा बनाने के लिए यूरिया फर्टिलाइजर क्यों मिलाया जाता है? और क्या नकली दूध में जाग बनाने के लिए डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? और क्या आपको पता है फैक्ट्री में नकली घी कैसे बनता है? दोस्तों पहले के जमाने में तो किसान पशुओं का दूध हाथों से निकालते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे फैक्ट्री में बनने लगा है। सबसे पहले बड़े बड़े डेयरी फार्म में पशुओं का दूध मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। इसके बाद भारी मात्रा में दूध को फैक्ट्री में लाया जाता है, लेकिन कई ऐसे शहरों में दूध निकाल कर अपने पास वाले डेयरी मिल्क में दूध ले जाते हैं, जहाँ पर दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक किया जाता है और वहाँ पर दूध की अच्छे से जाँच होती है। और इस तरीके से दूध को चेक करने के बाद दूध लाने वाले को दूध की कीमत दे दी जाती है और फिर दूध को एक बड़े से कंटेनर में डालकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचकर दूध को वहां की लगी मशीन द्वारा बड़े बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है और उन कंटेनरों में अंदर दूध को चलाने के लिए मशीन लगी होती है, जिससे दूध जमता नहीं है और खराब भी नहीं होता है। और यहाँ दूध को 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ठंडा किया जाता है, जिससे कि ये कच्चा ठंडा दूध खराब ना हो। और फिर एक पाइप के द्वारा इन्हें दूसरे कंटेनर में भेजा जाता है, जिससे उसके ऊपर की परत मतलब कि मलाई को निकाल कर अलग किया जा सके। इसके बाद इस दूध में विटामिन सी, ई और डी को मिलाया जाता है, जिससे दूध की क्वालिटी को बहुत अच्छा बना दिया जाता है। और इसके बाद दूध को एक कंटेनर में डालकर उबाला जाता है, जिससे कि दूध का टेस्ट अच्छा बना रहेगा। और फिर उसके बाद वहां लगी मशीनों में दूध को ठंडा करने के लिए डाल दिया जाता है और उसके बाद मशीनों से दूध को पैकेट में पैक किया जाता है। और इस तरीके से दूध को बोतलों में भरकर दूध को मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फैक्ट्री में घी कैसे बनता है। दोस्तों सबके घरों में मार्केट से घी ला करके यूज करते हैं और ये तो सबको पता है कि देसी घी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन आज की डेट में देसी घी बहुत महंगा हो गया, इसीलिए बहुत ही कम लोग खा पाते हैं। लेकिन फैक्ट्री वाले घी को हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो दोस्तों घी की फैक्ट्री में बहुत सारे कंटेनर पाइपों से जुड़े होते हैं। सबसे पहले मक्खन को अलग अलग जगह से लाकर फैक्ट्री में एक जगह इकट्ठा करते हैं और वहां लगे बड़े कंटेनरों में मक्खनों को डाला जाता है और फिर कंटेनरों में लगी हुई रोड से मक्खन को चलाया जाता है और लगे हुए पाइपों के द्वारा पिघला हुआ मक्खन दूसरी तरफ लगे टैंक में गिरता है। और फैक्ट्री के अंदर सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, जो काम किए जाते हैं। और कंटेनर के अंदर घी को मथने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से घी अच्छे से मत जाता है और इसको पूरी सेफ्टी के साथ किया जाता है, जिससे कि घी में कोई भी जर्म्स ना आए। वहाँ के वर्कर्स ग्लव्स पहनकर ये काम करते हैं। फैक्ट्री में लगे हुए कंटेनर में जो घी पकाया जाता है उसको 180 डिग्री सेल्सियस से पकाया जाता है। वहाँ के एक्सपर्ट्स ध्यान रखते हुए घी को बनाते हैं, जो काफी एक्सपीरियंस वाले होते हैं। और एक फैक्ट्री में कम से कम 600 से 700 वर्कर्स काम करते हैं। फिर कंटेनरों में घी पकने के बाद उन्हें दूसरी पाइप के द्वारा कंटेनर यानी कि स्टोरेज टैंक में डाला जाता है और उस स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी 100 टन होती है। इसके बाद ठंडा होने के लिए इसे 24 से 25 घंटे तक रखा जाता है। उसके बाद घी में दाना बनना शुरू हो जाते हैं, जो आपने घी में देखा ही होगा। और फिर उसे थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है और फिर वहां लगे पाइपों की मदद से पैकिंग की जाती है और इस तरह से तैयार होकर मार्केट में आता है आप सबके लिए घी।